कीर्तन की है रात सेठ सांवरिया के साथ, भाटापारा में भक्तिमय माहौल, गणेश पक्ष महापर्व और चहुओर आराधना का उत्सव। इसी कड़ी में खाटू वाले श्याम बाबा के आराधना का महापर्व भी देखने को मिल रहे। शर्मा परिवार द्वारा आयोजित भक्तिमय सुमधुर गीतों से सजी खाटू वाले श्याम की आराधना का बड़ा सुंदर ही दृश्य माहेश्वरी भवन में बन पड़ा। मैं सीनियर रिपोर्टर मुकेश शर्मा, डायरेक्टर अमित कुमार, गिरधर शर्मा जी आपको आज लेकर आए हैं माहेश्वरी भवन में। जन सरोकार से जुड़े मसले पर सदैव आपके साथ की भूमिका का निर्वहन करते हुए हमने आपको विभिन्न गणेश पंडालों के दर्शन कराए, साथ ही साथ अद्भुत झांकियों के भी दर्शन आपको देखने को मिले। भक्ति की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुँचे हैं माहेश्वरी भवन में, जहाँ खाटू वाले श्याम बाबा की आराधना का उत्सव बड़े जोर शोर और धूमधाम से शर्मा परिवार द्वारा मनाया जा रहा है। तो आइए अब देखते हैं भक्ति के रंग में रगी सुमधुर भजनों की संध्या, सांवरिया के साथ कीर्तन की रात। धर्म नगरी भाटापारा में मारवाड़ी कुआं के पास माहेश्वरी भवन में शर्मा परिवार के द्वारा जो आज कीर्तन की है रात सेठ सांवरिया के साथ का कार्यक्रम शर्मा परिवार के द्वारा कराया जा रहा है। आइए हम विस्तृत जानकारी शर्मा परिवार के सदस्यों के द्वारा से लेते हैं। आज
कीर्तन की रात सेठ सांवरिया के साथ, जो कि माहेश्वरी भवन मारवाड़ी कुआं भाटापारा में शर्मा परिवार के द्वारा रखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं सब कि कलयुग के राजा जो श्याम बाबा हमारे हैं, उनका कीर्तन हमारे द्वारा जो किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे घर में एक छोटी लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है, जिसके लिए हम सब में बहुत बहुत खुशी है और इसलिए हम ये आयोजन हमारे द्वारा किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जानकारी दी। अब आइए हम आइए बहन प्रियंका शर्मा से दो शब्द सुनते हैं इस कार्यक्रम के विषय में। जय श्री श्याम। यह कीर्तन हमारे यहाँ श्याम बाबा की कृपा से लक्ष्मी का आगमन हुआ है, जिसके लिए रखा गया है। ये हमारे हर्षोल्लास की कामना करते हुए हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये सब दिन हमेशा आते रहे, ताकि हमारा परिवार यह ऐसा कीर्तन हमेशा कराते रहें हमारा परिवार। थैंक यू टीजीबी परिवार द्वारा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे के सहारे की जय। लखदातार की जय। शीश सांवरिया की जय। शीश के दानी की जय। हरे के सहारे की जय। बोलो खाटू नरेश की जय। टीजीबी मीडिया का इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। नरेश की जय। लखदातार की जय। शीश के दानी की जय। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बोलो खाटू नरेश की जय। गणेश भगवान की जय। कीर्तन की रात से सांवरिया के साथ हमारे भजन सम्राट स्वामी श्री महेंद्र स्वामी जी जयपुर से पधारे। कल रात में कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, आनंद पूर्वक। इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, उनसे बात की। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। खाटू वाले श्याम प्रभु की भजनामृत गंगा में मैं कल माहेश्वरी भवन शर्मा परिवार की ओर से यहाँ पर आयोजित श्याम प्रभु खाटू वालों की भजन संध्या में मैंने अपनी हाजिरी लगाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्सव का जो आयोजन था और जो ओकेजन था, उसमें ये था कि घर में पोत्री के जन्म उत्सव के उपलक्ष में श्रीमान राजेंद्र शर्मा के सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी कुरीति है, जो हम पुत्र पैदा होने पर कोई भी बड़ा आयोजन करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है और उसके उपलक्ष्य में हम खाटू वाले श्याम प्रभु की भजनामृत गंगा का आयोजन कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने इनको यही किया, जब इन्होंने आग्रह किया मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि बेटा सिर्फ एक कुल की लाज रखता है और बेटी दोनों कुल की लाज रखती है। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि वो आंगन आंगन नहीं होता जहाँ बेटी नहीं खेलती, और वो रसोई रसोई नहीं होती जहाँ माँ रोटी नहीं बेलती। तो ये बहुत बड़ा आयोजन किया। मैं प्रभु से यही विनती करता हूँ कि ये इसी तरह से समाज के अंदर मैसेज देते रहें, अपने माध्यम से भी, और मैं अपने माध्यम से भी यही समाज को मैसेज देता हूँ कि जब भी हमारे घर में पुत्री हो तो उसका मान सम्मान से सम्मान करें और जोरदार आयोजन करें। और ये लख दातार की जय। और वैसे भी कहते हैं कि शाम शाम बोल सहारा मिलेगा, सहारा मिला तो किनारा मिलेगा, शाम की दया से गुजारा चलेगा, जीवन न हमको दोबारा मिलेगा।
जिसको बाबा श्याम बुलाए वो भी खाटू धाम में आए, और जो बाबा को भजन सुनाए उसको बाबा श्याम बुलाए। और ये लखदाता की जय। स्वामी जी, आपका आगामी कार्यक्रम किस जगह पे रखा हुआ है, जानकारी बताएं। मेरा आगामी कार्यक्रम जो होने वाला है, अब नवरात्रि आ रहे हैं और माँ की घर घर जो हम जगाते हैं, तो अब की बार नवरात्रि में मेरे करीब करीब 5-6 नवरात्रि के कार्यक्रम कोलकाता में है। कोलकाता में मेरे कार्यक्रम है, और वैसे भी मैं पिछले करीब 50 सालों से बाबा श्याम के, रानी सती दादी के, माता रानी के, सालासर हनुमान जी के, रानी सती दादी के, शाकंभरी माँ के, जीवी माता के, पहाड़ी माता के, बनभोरी माता के, और जितनी भी देवी देवता है, बाबा रामदेव पीर के, भैरव बाबा के, सभी के भजनों से मैं भक्त लोगों को रिझाता हूँ और भक्त लोग मुझे बुलाते हैं। देश विदेश में करीब आज तक मेरे ख्याल से मैंने करीब 10,000 भजन संध्याएं कर चुका हूँ मैं, और मैं इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस भाटापारा में अपने भजन गायक के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया, मुझे भजन गायक के रूप में। मैं सभी भक्तों का हार्दिक दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। बोलिए लखदाता की जय, बोलिए श्याम सरकार की जय, बोलिए नीले के असवार की जय, बोलिए खाटू नरेश की जय, बोलिए हारे के सहारे की जय, बोलिए दीनमान धारे की जय, बोलिए श्याम प्यारे की जय, और बोलिए श्याम हमारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ TGB मीडिया का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपने माध्यम से, अपने चैनल से यहाँ पर सभी लोगों को दिखाया है। मैं इनका हार्दिक दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आपने जो वातावरण में आके हमारे भजन संध्या में जो 4 चांद लगाए हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। जय श्री कृष्ण। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।